यूपी के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा होने वाली है। धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर जिस तरह से योगी ने काम किया है, जनता उसी पर अपना मत देने वाली है। रिपोर्ट देखिए। वो ऐतिहासिक दिन था जब गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ की यूपी के सीएम के रूप में ताजपोशी हुई। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एक सांसद के रूप में धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाने वाले योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, उनके कामकाज में धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। ये बदलाव हर स्तर पर नजर आया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। शहरों के नाम बदलने के साथ धार्मिक आयोजनों को भी भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया। 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस की शाम से दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। दीपोत्सव कार्यक्रम सरयू नदी के घाट पर होता है। अगले साल यूपी में चुनाव है, लिहाजा इस साल दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से ठीक पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। मोदी धनतेरस के दिन यानी 2 नवंबर या छोटी दिवाली यानी 3 नवंबर को अयोध्या आ सकते हैं। इस साल सरयू तट पर 7 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य है। योगी शासन काल में धार्मिक, राष्ट्रवाद को लेकर बहुत कुछ नया। पहली बार कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। मथुरा में जन्माष्टमी का भी भव्य आयोजन हुआ। धार्मिक, सांस्कृतिक मामलों के अलावा कानून व्यवस्था के मामले में कदम उठाने को लेकर योगी सरकार चर्चा में रही। कोरोना टीकाकरण पर योगी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया। योगी सरकार उपलब्धियां गिना सकती है, लेकिन आगामी चुनाव में चुनौतियां कम नहीं। कोई भी चुनाव हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए हर चुनाव की तैयारी करनी पड़ती है, जमीन से लेकर के ऊपर तक करना पड़ता है। आपको कार्यकर्ताओं को साथ लेना पड़ता है, आपको जनता को साथ लेना पड़ता है, आपको मुद्दों के साथ जाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है हमने क्या किया है। जब आप सत्ता में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो आप आरोप लगाना सरल होता है, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो आपके साथ एक एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ी होती है और आपको जो 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा होता है वो भी देना पड़ता है। योगी सरकार ने काम बहुत किए हैं, अलग बात है, लेकिन जब चुनाव चुनाव होता है उसमें आपको कभी भी अपने विरोधियों को, विपक्ष को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। यूपी जैसे राज्य में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लिहाजा इतिहास रचने के लिए योगी की अगुवाई में बीजेपी काफी मेहनत कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं राजधानी की दिल्ली की, जहां बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक अच्छी पहल की है। झीलों की साफ सफाई के लिए सरकार मुहिम चला रही है और इसकी शुरुआत संजय झील से की गई। दिल्ली जल बोर्ड ने संजय झील में फ्लोटिंग राफ्टर्स डाले थे। ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के प्रदूषण को सोख लेते हैं, जिसके बाद झील की खूबसूरती बदल जाती है और बढ़ जाती है। कुदरत की खूबसूरती का ऐसा मनमोहक नजारा शायद ही आपने कभी देखा हो। प्रकृति का मनोरम दृश्य है, चारों तरफ हरियाली, पानी पर हजारों पेड़ पौधे तैर रहे हैं, पक्षियों के कोलाहल और चहचहाट से वातावरण की सुंदरता में चार चांद लग रहा है। सारे वातावरण में पक्षियों की मधुर आवाज रस घोल रही है। पक्षियों की जल क्रीड़ा से सारा वातावरण दिव्य हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये नज़ारा किसी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस का है, जो बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा। दिलकश, सुंदर, मनोरम और मन को शांति पहुंचाने वाला ये नज़ारा देश की राजधानी दिल्ली के संजय झील का है। दरअसल इस झील की खूबसूरती को चार चांद लगाया है दिल्ली सरकार। संजय वन झील के पुनरुद्धार का पहला चरण पूरा हो चुका है। संजय झील के पानी को साफ करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने झील में फ्लोटिंग राफ्टर्स डाले थे। ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के प्रदूषण को सोख लेते हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लोटिंग वेटलैंड है, जो हरे पैचेस के रूप में पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ये पौधे नाइट्रेट और फास्फेट को बायोमास में बदल देते हैं, साथ ही पक्षियों और मछलियों के भी हितैषी होते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में झीलों के रखरखाव और पुनरुद्धार के लिए पहल की है। संजय झील के अलावा जाफरपुर कलां, नांगलोई, राजोकरी और सोनिया विहार के जलाशयों के पानी को साफ किया जाएगा, जिससे न केवल झीलों का पानी साफ होगा बल्कि जमीन में पानी का स्तर भी बढ़ेगा। दिल्ली में हर रोज जो सीवर का पानी निकलता है वो कई हजार लीटर में निकलता है और समस्या का निष्पादन कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में एक नई मुहिम शुरू हुई है। साउथ दिल्ली के संजय वन में नई तकनीक अपनाई है। दिल्ली के संजय वन में जो ये झील है वो पूरी तरीके से सीवर के पानी से बनी हुई है। इस झील को साफ रखने के लिए एक फ्लोटिंग आइलैंड बनाया गया है। इस फ्लोटिंग आइलैंड में जो भी पौधे उगते हैं वो झील को साफ रखते हैं।
अभी तक तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये मुहिम मार्च से स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब तक यहाँ पर कई पौधे जो हैं वो मुरझा भी गए हैं। देखना ये होगा कि दिल्ली जल बोर्ड का ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा पाएगी दिल्ली जल बोर्ड क्यों, और ये मुहिम कितनी कामयाब हो पाएगी। संदीप के साथ दामिनी शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।